السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم मन अहद सफ़ी अमरीना हाजा मा लई सिनू फ़हरद सदकिल्लु मऊलान व सदक रसूल नबीमिनकरीम वन कलमिन शाहन व शाहन वहिल्लाबीम आइए सबसे पहले आकए नामदार मदनी ताजदार रूही फिदा जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसम हदी दरूद करें छावर करेंसल आल सदना व मऊलाना मोहम्मद मदनदी वालकरम वसाब वबारिक वसलम सलम क्या सईदिया रसूल सल्ला तसल् दरसे जाल बिदअत का माना उसकी तारीफ़ उसकी तकसीम इससे पहले वाले बाब में बयान हुई और तफसील के साथ उसका सबूत भी दलाइल की रोशनी में ज़िक्र किया गया आज उसी का दूसरा बाब शुरू हो रहा है यानी बिदात की जो तारीफ़ की गई और जो तकसीम की गई उस पर जो मुखालफन की जानिब से एतराजात वारद होते हैं तो उन एतराज़ा को ज़िक्र किया जाएगा और उसके जवाब जिक्र किए जाएंगे फरमाते हैं कि हमने बदात अमली की ये तारीफ़ की है इससे पहले ज़िक्र हो चुका है कि जो काम चाहे दीनी हो या दुनियावी हो जो भी काम सल्लल्लाहु अगद अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद ईजाद हो वो बिदात है चाहे साहब राम में के ज़माने में हो या उसके भी बाद में हो तो अब ये हमने तारीफ की कि चाहे वो दीनी काम हो कि दुनियावी काम हो अगर सल्लल्लाहु अकद अलैहि वसल्लम के बाद ईजाद हुआ है नया काम है तो बिदात है और फिर उसकी पांच किस्में की गई कि जायज़ मुस्तहब वाजिब हराम मकरू इस तरीके से बिदात की पांच किस्में की गई फरमाते हैं कि इस पर वो मशहूर एतराज़ात है चंद एतराज़ जो मशहूर है आवाम के सामने ये एतराज़ किया जाता है सबसे पहले तो ये एतराज़ किया जाता है कि बिदात सिर्फ़ उस दीनी काम को कहेंगे जो हुजूर हज़ूर सलातम के बाद ईजाद हो दुनियावी नए काम बिदात नहीं है ये मुखालफी की तरफ़ से ये एतराज़ किया जाता है कि आप लोग दुनियावी काम को भी बिदात कहते हो दुनियावी काम बिदात नहीं है बल्कि दीनी काम अगर हुजूर के बाद ईजाद हो तो उस दीनी काम को बिदात कहा जाता है तो इस वजह से अब मुखालिफिन कहते हैं कि महफ़िल मीलाद वग़ैरह ये सब बिदात है और टेलीफोन मोबाइल तार रेलगाड़ी हवाई जहाज़ तो ये सब सवारी ये बिदात नहीं है क्योंकि ये दुनियावी काम में से है, दुनियावी आमाल में से है ये मुखालिफिन की तरफ से एतराज़ किया जाता है और दलील में वो लोग ये पेश करते हैं कि क्योंकि हदीस में ये ज़िक्र हुआ कि मन अहदस फ़ी अमरीना हाजा माँ लई हो फ रद यानी जो शख्स हमारे इस दीन में फ़ी अमरीना हाजा हमारे इस दीन में कोई नई बात निकाले तो वो मरदूद है वो रद है यानी कोई शख्स दीन में कोई नई काम नया काम नई बात निकाले तो वो मरदूद है तो अमरीना से मालूम होता है कि दुनियावी इजाद जो है वो बिदात नहीं है ये मुखालफिन की तरफ से एतराज़ है कि हदीस में है कि हमारे दीन में कोई नई बात निकाली जाए तो वो रद है मरदूद है तो इससे पता चला कि बिदात दुनियावी काम जो नया हो वो बिदात नहीं कहेंगे उसे तो ये मुखालफन की तरफ से है दीनी बिदात कोई भी जो है वो अच्छी नहीं होती ये मुखालफन कहते हैं कोई भी दीनी बिदात ये हसना नहीं है सब के सब हराम है क्योंकि हदीस में सब के बारे में ये कहा गया है क्या कि फहअ रद यानी वो मरदूद है उस पर परमल नहीं किया जाएगा तो इसका जवाब बड़ा तफसीली जवाब दिया है अलामा मुफ्ती अहमद यारखानईमी आल राम व रिजवान ने और इससे पहले भी जो है वो तफसील के साथ ये बातें ज़िक्र हो चुकी है लेकिन दोबारा फरमाते हैं कि दीनी काम की क़ैद लगाना जो मुखालफिन ये कहते हैं कि बिदात सिर्फ़ दीनी काम में है दुनियावी काम में नहीं और हदीस भी पेश करते हैं तो दीनी काम की क़ैद लगाना ये महज अपनी तरफ से है यानी जो तुम लोग दीनी काम की कैद लगा रहे हो कि दीनी काम ही बिदात है ये अपनी तरफ से है अदीसें सही हा सही हदीसें और के के अकवाल और फुखाए के राम और मुहदसिन के अकवाल के खिलाफ है क्योंकि उनके अकवाल इससे पहले जिक्र किए जा चुके हैं हदीस में है कुल्लु महदसिन बिदात यहाँ पे मुतलक़न हदीस बाद में जिक्र हुआ मिशका शरीफ की हदीस है कुल्लु बिदातिन कुल्लु महदसिन बिदातन कुल्लु महदसन क्या मतलब कुल्लु महदसिन यानी हर नया काम बदात बिदात है तो अब इसमें क़ैद तो नहीं है कि दुनियावी काम के दीनी काम तो इस हदीस के इतलाक़ की वजह से यानी यह हदीस मुतलक है आम है कि हर एक जो भी नया काम हो वो बिदात है इसमें दीनी या दुनियावी की कैद नहीं है और इसके अलावा इससे पहले वाले बाब में फरमाते हैं हम अशातलमत और मिरकात की इबारतें नकल कर चुके हैं कि उसमें दीनी काम की कैद नहीं लगाई नीज़ हम पहले बाब में मिरक़ात और शामी की भी इबारतें नकल कर चुके हैं उसमें दीनी काम की कैद नहीं लगाई गई है यानी ये सब के राम फ़ुकाय करामाए कराम महदसिन कराम, एज़ाम की इबारतें हैं उनके अकवाल हैं और इन्होंने अहादीस करीमा की रोशनी में जिक्र किया लेकिन इन हज़रा ने दीनी काम की क़ैद नहीं लगाई कि बिदअत सिर्फ़ दीनी काम में होता है नीज़ हम पहले बाब में मिरकात और शामी की इबारतें दिखा चुके कि उन्होंने तो उमदा खाने अच्छे कपड़े ये बिदाते जायज़ा में दाखिल शुमार दाखिल किए हैं यानी उन्होंने इसको भी बिदात कहा है जो अच्छे पकवान बनाए जाते ये भी बिदात है अच्छे कपड़े पहने जाते ये भी बिदात है लेकिन बिदाते जायज़ा है यानी जायज़ बिदात है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हज़रात ये बुजुर्गान दीन अलिया कराम फ़ुखा एज़ाम मुहदसिन इनके नज़दीक भी बिदात ये सिर्फ़ दीन दीनी काम में नहीं बल्कि दुनियावी काम में भी है फरमाते हैं ये काम दुनियावी हैं कपड़े पहनना खाने खाना मगर बिदात में इनका शुमार किया लिहाजा ये क़ैद लगाना ग़लत है कि सिर्फ़ दीनी काम में ही बिदात होती अब अगर मान भी लिया जाए चलो मान लेते हैं मान भी लिया जाए कि बिदात में दीनी ही काम की क़ैद है तो दीनी काम तो उसी को कहते हैं जिस पर सवाब मिले दीनी काम किसको कहते हैं दीनी काम उसी को कहते हैं जिस पर सवाब मिले मुस्तहिबात, नवाफिल, वाजिबात फराइज सब दीनी काम है कि इसको आदमी किस लिए करता है सवाब हासिल करने के लिए सवाब पाने के लिए सवाब के लिए करता है आगे फरमाते हैं और दुनिया का कोई भी काम खैर की नीयत से किया जाए तो उस पर भी सवाब मिलता है दुनियावी काम भी खैर की अच्छाई की नीयत से खैर की नीयत से अगर किया जाए तो उस पर भी सवाब मिलता है हदीस पाक में आता है कि मुसलमान से खंदा पेशानी से मिलना सदक़े का सवाब रखता है यानी अच्छे से अगर किसी मुसलमान से मुलाकात किया जाए बताओ किसी से मुलाकात करना ये दुनियावी काम है लेकिन जो है वो अगर इस हदीस को पेश नज़र रखे कि इसका सवाब है तो ये दीनी काम में शामिल हो जाता है ये भी दीनी काम है अपने बच्चों को पालना नियत खैर से हो तो ये भी सवाब है, खैर की नीयत से अपने बच्चों की परवरिश करना ये भी सवाब मतलब यानि यहां तक के जो लुकमा अपनी बीवी अपनी जोजा के मुंह में डाले दे वो भी सवाब है बताइए खाना खिलाना अपने हाथ से बीवी को तो ये भी सवाब है, लिहाजा पता ये चला कि मुसलमान का हर दुनियावी काम भी दीनी काम है मुसलमान का हर दुनियावी काम भी दीनी काम है तो अब जब ये दीनी काम है तो अब बताओ कि नीयतें खैर से पुलाव खिलाना ये बिदात है या नहीं खैर की नीयत से किसी को खाना खिलाना ये बिदात हुआ या नहीं तुम्हारे नजदीक है ना तो अब तुम अगर ये कहो कि नहीं है तो हम ये कहेंगे कि खाना खाना अगरचे दुनियावी काम है लेकिन खैर की नीयत से है ना फातिहा कर दिया या गरीबों में तकसीम किया तो खैर की नीयत से सवाब की नीयत से खाना खिलाना तो अब ये बिदात हुआ या नहीं नीयत खैर से तो फरमाते हैं कि अब तुमको भी मानना पड़ेगा कि यह बिदात है यानी तुम भी कहोगे कि यह बिदात है नीज दीनी काम की क़ैद लगाना आपके लिए ये कोई मुफीद नहीं है यानी ये आपको फ़ायदा नहीं देगी बल्कि नुकसान है जो आप ये कहते हो ना कि सिर्फ दीनी काम की क़ैद जो है ये लगा कर कहते हो कि यही बिदात है तो ये मुफीद नहीं है क्यों कहते हैं क्योंकि देवबंद का मदरसा हो कि वहाँ का निसाब हो दौर हदीस तनख्वाह लेकर मदरसों का पढ़ाना टीचर्स वगैरह जो मदरसे में पढ़ाते हैं और इम्तिहान और छुट्टियों का होना तातीलत का होना आज कुरान पाक में एराब लगाना कुरान और बुखारी छापना मुसीबत के वक्त ख़त्म बुखारी करना जैसा कि देवबंद में पंद्रह रुपये लेकर कराया जाता है उस ज़माने में है ना अब अब जमाने में पंद्रह हजार लिया जाता होगा बल्कि सारा फन हदीस बल्कि खुद को किताबी शक्ल में जमा करना बल्कि खुद कुरान को कागज पर जमा करना उसमें रुकू बनाना उसके तीस सिपारे करना वगैरह वगैरह सब ही दीनी काम है तो जब सब दीनी काम है तो यह भी क्या है बिदात है मानना पड़ेगा कि यह भी बिदात है अब तुम यह कहते हो कि हर बिदात हराम है तो माजल्ला सब भी हराम हुई अब तुम कुरान मत पढ़ो कुरान मत रखो कुरान मत छापो हालांकि सबसे ज्यादा किताबें उन्हीं के यहाँ से छपती है।, है ना तो फरमाते हैं क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इनमें से कोई काम ना हुआ था तो बोलो ये हराम है या हलाल है अब जवाब क्या होगा वो आपके पास है ना? तो अब फरमाते हैं बेचारे महफिल मीलाद शरीफ और फातेहे ने ही कसूर क्या किया है उन्हीं का क्या कसूर है सिर्फ इसी के पीछे पड़े हो महफिल मिलाद शरीफ और फाते ने ही कसूर क्या है जो सिर्फ वो तो इस इसलिए हराम के हजूर के जमाने में नहीं था और ऊपर ज़िक्र किए हुए सब काम ये ह... तुम्हारे नजदीक हलाल है तुम इसको हराम नहीं कहते सिर्फ महफिल मिलाद को हराम कहते हो फातेहे को हराम कहते हो तो इसने क्या कसूर कर दिया है तुम्हारा और ऊपर जो बातें जिक्र की गई है वो सब तुम करते हो और तुम्हारे नजदीक ये हलाल है हराम नहीं है आप आगे फरमाते हैं हजरत अल्लाह मुफ्ती अहमद यार खान आईमी रिजवान का मुनाजरा हुआ मौलवी सनाउल्ला अमृतसरी पानीपति इससे मुनाजरा हुआ था तो फरमाते हैं हमने मौलवी सनाउल्ला अमृतसरी से को अपने मुनाजरे में ये कहा था क्या कहा था कि आप हजरात चार चीजों की सही तारीफ कर दो बस चार चीज़ों की सही तारीफ़ कर दे जिस पर कोई एतराज़ ना हो यानी ऐसी तारीफ़ करो कि जिसपे कोई एतराज़ ना हो जामे और माने हो यानी ऐसी तारीफ़ कि जिसमें जो चीज़ शामिल मानो तो सबको शामिल मानो जिसको निकालना है तो सबको निकालो ऐसा नहीं कि कभी दाखिल करो कभी खारिज करो तो जिस कदर चाहें हमसे इनाम लें यानी जितना चाहो मुझसे इनाम ले लो चार चीज़ों की बस तुम सही तरीके से तारीफ कर दो कौन सी चार चीज़ें विधात बिदात की तारीफ़ कर दो सही तरीके से शिरक की तारीफ़ कर दो दीन की तारीफ कर दो और इबादत की तारीफ़ कर दो ये चार चीज़ों की तुम जो है वो जामे माने तारीफ़ कर दो और फरमाते हैं और अब भी अपने रब के भरोसे पर हम कहते हैं कि दुनिया का कोई भी देवबंदी कोई गैर मुकलद और कोई शिरक व बिदात की रट लगाने वाला इन चार चीज़ों की तारीफ ऐसी नहीं कर सकता जिससे उसका मजहब बच जाए यानी वो अगर तारीफ़ करेगा तो उसका भी मजहब उसमें आ जाएगा आज भी हर देवबंदी और गैर मुकलद को ऐलान आम है कि इनकी यानी इन चारों की ऐसी सही तारीफ़ करो जिससे महफ़िल मीलाद तो हराम हो और रिसाले कासिम और परचय अहल हदीस हलाल हो है ना है ना कासिम नानोतवी के रिसाले निकालना ये हलाल हो जाए और महफ़िल मीलाद हराम हो जाए ऐसी तारीफ़ करो तुम और अलिया अल्लाह से मदद मांगना शिरक हो पुलिस वगैरह से मदद मांगना इस्तेमदाद ये आन इस्लाम हो तो कोई ऐसी तारीफ करके दिखाओ और कह देते हैं कि इन ये तारीफें ना हो सकी हैं और ना हो सकेंगी यानी उनसे इस तरह की तारीफ हो ही नहीं सकती कि जिसमें से ये चीज़ें जो हम मानते हैं उनको निकाल दें कि ये हराम है अलिया अल्लाह से मदद मांगना हराम है और गैरुल्ला में पुलिस वगैरह है तो उनसे मदद मांगना हलाल है तो तारीफ़ ऐसे कर दो इस तरह की तारीफ़ कर दो कि शिरक की क्या तारीफ़ है सही तारीफ़ कर दो तो आज भी वो तारीफ़ें नहीं हो सकी हैं और ना हो सकेंगी लिहाजा चाहिए कि अपने इस बे मज़हब से तौबा करें और अहले सुन्नत व जमात में दाखिल हो जाए है नामोफिक वो हदीस अब जो मुखालफी की तरफ से हदीस जो पेश की जाती है उसका जवाब दे रहे हैं वो हदीस जो आपने पेश की तो इसके मुतालिक हम हारज़ कर चुके हैं कि इससे या तो माँ से मुराद अकायद हैं माँ यहाँ पर आया है कि फ़ी अमरीना हाजा माँ लई समिन हो माँ ये माँ मौसूला है इसमें मौसू में, में माँ और मन भी ये मौसूला है मौसू यानी यूँ समझ लीजिए कि जो इंग्लिश समझता हो तो जैसे कि कुछ वर्ड कुछ अल्फाज होते हैं इंग्लिश के जो मौसू में इस्तेमाल होते हैं जैसे कि विच है हु है वॉट है ये सवाल में भी इस्तेमाल होते हैं और जुमले को मिलाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं जैसे कि वो शख़्स जो गया था तो यहाँ पर हो लगा सकते हैं या वो काम जो तुमने किया था तो वाट लगा सकते हैं तो इसी तरीके से ये माँ है ये इसमें मौसू है तो अब ये माँ से मुराद क्या है फरमाते हैं कि यहाँ इस हदीसे पाक में जो माँ है फरमाते हैं कि माँ से मुराद अकायद है माँ से मुराद अकायद हैं कि दीन का आम इतलाक़ अकायद पर होता है यानी दीन का आम इतलाक़ जो है बोला जाता है दीन ये अकायद के लिए बोला जाता है और अगर आमाल मुराद भी हो तो लई सा मिनहू से मुराद वो आमाल है यानी लई सा मिनहू जो इसमें से नहीं हो क्या मतलब तो इससे मुराद वो आमाल हैं जो कि सुन्नत के खिलाफ या दीन के खिलाफ हो तो हम भी यही मानते हैं कि जो सुन्नत के ख़िलाफ़ या दीन के खिलाफ हो तो वो बुरी बिदात है वो बिदात सया है और अगर सुन्नत या दीन के ख़िलाफ़ नहीं है तो वो बिदात हसना है है ना अगर सवाब की नीयत से करा जाए तो अच्छा है हम इसके हवाले भी इससे पहले पेश कर चुके अब फरमाते हैं ये कहना कि हर बिदात हराम होती है बिदत हसना कोई चीज़ ही नहीं है ये इस हदीस के ख़िलाफ़ है जो पेश की जा चुकी कि इस्लाम में जो नेक काम ईजाद करे वो सवाब का मुस्तक है और जो बुरा काम ईजाद करे वो अजाब का मुस्क़ है तो ये हदीस पाक में है कि इस्लाम में जो नया काम ईजाद करे तो वो सवाब पाएगा और जो बुरा काम बनाए ईजाद करे वो जो है अजाब पाएगा तो इस हदीस के ख़िलाफ़ हुआ ना कि कोई भी नया काम जो है वो बिदात है और हर बिदात हराम है तो अब यहाँ तो हदीसे पाक में है कि इस्लाम में जो नेक नया काम ईजाद करे वो सवाब का मुस्तक है इसके अलावा शामी अशातुल्लमत और मिरकात की बारात पेश की जा चुकी हैं कि बिदात पाँच किस्म की है जायज़ वाजिब मस्तहब मकरू और हराम ये तफसी से इससे पहले ज़िक्र किया जा चुका है और आप हज़रात भी आते हैं तो इसको नोट कर लिया करें याद कर लिया करें कि बिदात की कितनी किस्में हैं क्या क्या हैं कब इस्तेमाल होती है और अगर मान भी लिया जाए कि हर बिदात हराम है तो फिर मदारिस वगैरह को ख़त्म करो कि ये भी हराम है जितने भी तुम्हारे मदरसे हैं सबको बंद कर दो क्योंकि ये भी हराम हुए दीन का काम ही तो हो रहा है ना इससे मदरसे से तो ये भी हराम हुए क्योंकि हुजूर के ज़माने में तो ये मदरसे थे नहीं तो नीज़ मसाइल फ़िकिया और अशगाल सूफिया जो कि क़ुरून के बाद ईजाद हुए तमाम हराम हो जाएंगे यानी जो फ़िकी मसाइल तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह तुओ के ज़माने में ये मसाइल फ़िकहिया जो है वो वजूद पाए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ने सवालत बनाए अपने शागिरदों के दरमियान जो है उसको तकसीम किया फिर उन सवाल के लोगों ने जवाब जो है वो लिखे तहरीर किए उसमें इख्त हुए तो ये मसाइले फ़िकिया ये बाद के हैं ऐसे ही जो सूफ़िया अशगाल करते हैं जो आमाल करते हैं तो ये सब बाद में ईजाद हुए तो फरमा रहे हैं कि ये सब हराम हो जाएंगे शरीय के चार सिलसिले हनफ़ी शाफ़ी मालिकी हम्बली और तरीक़त के चार सिलसिले कादरी चिश्ती नक्शबंदी सुहरवर्दी ये तमाम ही हज़ूर सलात वसलाम बल्कि सहाबे के राम के बाद ही ईजाद हुए फिर इनके मसाइले इश्तिहादिया और अमाल वजीफ़े मुराकबे चिल्ले वग़ैरह सब बात की ईजादें और सब लोग इनको दीन का काम समझ कर ही करते हैं लेकिन बाद की ईजाद है तो ये सब के सब हराम हो जाएंगे बिदात हैं और हर बिदात तुम्हारे कौल के मुताबिक हराम है छः कलमे ईमान मुजमल मुफसल कुरान के तीस पारे हदीस की किस्में उनके आकाम कि यह हदीस सही है या ज़यीफ़ है या हसन है या मवल है वग़ैरह और अरबी मदारस के निसाब जलसे दस्तार बंदी सनद लेना पगड़ी बंधवाना इन चीज़ों का कहीं कुरान और हदीस में नाम भी नहीं कोई देवबंदी वहाँ भी इन चीज़ों को तो क्या इनके नाम भी किसी हदीस से नहीं दिखा सकता फिर हदीस की इसद और रावियों पर मुरवजा जो जरह जर कुरून से साबित कोई भी नहीं कर सकता है गर्जे के शरीयत और तरीक़त का कोई अमल ऐसा नहीं जिसमें बिदात शामिल ना हो तो पता ये चला कि बिदात में बिदात आसना भी है और बिदात सैह भी है, है। इनशाला और मजीद इसके आगे की बातें जिक्र की जाएंगी अल्लाह तबारक ताली हम तमाम लोगों के अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमाएँ असल